दिल्ली एनसीआर में बारिश, दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी हो सकती है। आज सुबह का ये मौसम अपडेट आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर, और इसी के साथ संभावना है कि बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी हो सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी, जहां दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर बूंदाबांदी आज दर्ज की गई, और इसी के चलते संभावना है कि मौसम में एक बार फिर से ठंड सामने आ सकती है। जहां आपको बता दें, इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, जहां फरवरी सबसे ज्यादा गर्म दर्ज की गई है, रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है, और ऐसे में जब एक बार फिर से बूंदाबांदी हुई है तो ठंड की वापसी हो सकती है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मौसम का अपडेट मिल रहा है जहां हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, फरवरी हालांकि कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार सबसे गर्म रही है, क्या ठंड वापसी की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए अगर कल की बात करें तो कल सूरज ढलते ढलते ये उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन जैसे ही रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच में हल्की बूंदाबांदी हुई, और अगर सुबह की बात करें तो सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई और अभी बादल लगातार छाए हुए हैं, तो लोगों में डर है और वापस एक बार फिर से उनके जैटर और जो है जो जैकेट हैं, जो जर्सी हैं, वो बाहर निकल आई है, क्योंकि इस बात का साफ संकेत दे रही है कि ठंड वापस लौट आई है। हालांकि ये ठंड 2 से 3 दिन की रहने वाली है, लेकिन ये 2-3 दिन की जो ठंड है कितना नुकसान दे सकती है, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं, और इसको लेकर पूरी तैयारी जो है अब लोगों में फिर से दिखने लगी है। सुबह होते ही जो लोग बाग अपने ऑफिस या फिर अपने कामकाज को जाते हैं तो सब स्वेटर और जर्सी में दिखाई दिए हैं, और ये इसी बारिश का असर है। जी बिल्कुल, फिलहाल जितेंद्र अभी मौसम का क्या मिजाज बना हुआ है, अभी तेज हवा के साथ क्या बादल छाए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करें तो अभी कुछ मिनटों पहले भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, और अभी भी लगातार कोई कोई बूंदाबांदी लगातार हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा पूरी तरह से साफ लगाया जा रहा है कि बूंदाबांदी आज पूरे दिन रह सकती है, कभी भी बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, जिसके चलते लोग भी पूरी तरह से तैयार है। अगर हवा की बात करें तो हवा जिस स्पीड से हवा चल रही है तो कहीं ना कहीं ठंड को बढ़ा रही है, क्योंकि शीतलहर की तरह ये हवा है और अगर तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री का तापमान ग्राउंड अभी भी दर्ज की गई है, और अगर जिस तरह से बादल छाए रहे तो जिस तरह का कल का दिन था और आज के दिन में काफी ग्राउंड देख रहा बिल्कुल। और देखिए, आवाजाही क्या प्रभावित हुई है मौसम की वजह से? आज जिस तरह से अगर बात करें, आज वेनेसडे का दिन है, ऑफिस वालों का दिन है, तो सुबह जो निकल सकते थे वो निकले हैं, लेकिन अगर स्कूली बच्चों की बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या फिर जिनकी छुट्टियां हैं तो उनके आवाजाही पर असर तो देखने को मिला है, लेकिन जिनको मजबूरी में निकलना होता है वो सभी अपने काम के लिए निकले। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का मिजाज कुछ उस तरीके से बना हुआ है, जहां बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं, दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश, जहां दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, दिल्ली नोएडा समेत कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में वापसी हो सकती है ठंड की, इसकी संभावना भी बनी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, जहां बूंदाबांदी दर्ज की गई है, और इसी के साथ जहां अगर बात करें, अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मौसम का मिजाज कुछ उस तरीके से बना हुआ है जहां हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस
मैं वो काफी सुहावना तो नजर आ रहा है। अभी अगर हम बात करें तो देखिए, हालांकि अभी मार्च की पहली तारीख है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है दिल्ली वासियों को, चाहे हम एनसीआर की बात करें, काफी गर्मी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब देखिए, आज जो मौसम बदला है तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि देखिए, होली का त्योहार नजदीक है तो काफी ठंड होली के त्योहार पे देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, जो मौसम है, वो कुछ अलग नजर आ रहा है। तो ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए कई जगह पे अलग अलग जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी देखी गई है और मौसम बारिश का है। और लगातार अगर हम बात करें तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में अभी थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन हम निचले स्तर पर देखें तो लोगों को काफी गर्मी से जूझना पड़ रहा था। अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, मौसम सुहावना हुआ है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावना है। अब देखना होगा कि दोबारा से ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी या नहीं, क्योंकि देखिए फरवरी के ही महीने में बहुत ज्यादा गर्मी, पतझड़ का मौसम, लगातार सड़कों पर हम देखते हैं कि पतझड़ का मौसम है। हालांकि पतझड़ का मौसम देखिए जो आता है मार्च या अप्रैल में आता है, लेकिन अबकी बार फरवरी में देखने के लिए मिला। और देखिए, बहुत सालों बाद जो है गर्मी की मार फरवरी में देखनी पड़ी और मौसम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल अभी का क्या मौसम है नोएडा में प्रिया? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अभी के मौसम की, मौसम काफी सुहावना नजर आ रहा है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी होने से जो देखिए मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी देखिए अगर लगेगी तो टू व्हीलर्स चलते हैं, तो काफी उन्हें गर्मी झेलनी पड़ रही थी फरवरी के महीने में, लेकिन आज मौसम ने करवट ली है, हल्की बूंदाबांदी है। और देखिए, मौसम विभाग के अनुसार दोबारा एक बार बारिश अगर होगी तो मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। और देखिए, अभी जो बिल्कुल गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए गर्मी तो आने वाली है, गर्मी का मौसम आएगा तो मौसम में बदलाव देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई है उसके बाद मौसम ने करवट ली है, तो लोगों को काफी राहत से मिलती हुई भी नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।